कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की तीन खूबियां। ठीक से समझ लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक सेठ और कुत्ता की कहानी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। सेठ के यहां एक कुत्ता पला हुआ था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु सेठ बड़ा चालाक और लोभी लालची था। लोभी लालची होने के साथ साथ सेठ भगवान विष्णु का उपासक भी था। एक दिन सेठ के यहां भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वो उनसे कोई वरदान मांग ले। सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बनाए देता हूं। इतना कहकर भगवान ने सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में डालकर रखता था। एक दिन सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज बोले, हे कुत्ता, अब तुम ही बताओ कि तुम कहां रहना और कहां जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा, बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नर्क दो, मुझे सब स्वीकार है, पर मेरी एक बात ध्यान रखना। मैं जहां भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं अब मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूं। यमराज बोले, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम तिर्यक योनि में थे, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि के फायदे नहीं मालूम है। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, पर इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वो जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। ईर्ष्या उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वो अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है, यहां तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, बहुत सारा गरीबों को दान लुटाऊंगा। पर वे सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही की जाती हैं। काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा सब भूल जाता है, आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही अहित करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न उठने देते हैं, न चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी धूर्तता देखिए भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। फिर बाद में कहता है कि भगवान का तो सब कुछ ही है, मैं उसे क्या दे सकता हूं। इस प्रकार कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, पर उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे कुत्ता,
माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं, वे हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं, आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज की त्योरियां चढ़ गईं, सोचने लगे ये तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है, इसे दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं है, उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपने कुछ दूत भेज दिए और कहा कि जाओ इस कुत्ते के मालिक सेठ को ही जीवित उठा लाओ, फिर हम देखते हैं कि वो हमारे सामने क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो मैं इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। मित्रों, कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के चार दूत सेठ को लेने के लिए चले गए और उसे चार पाई सहित सोते हुए उठा लाए। रास्ते में पहुंचने पर सेठ की आंख खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहां लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ता से यमराज की शर्त ठहर गई है, तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ की पूरी बात समझ में आ चुकी थी, उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे, सोचने लगे कि यह तुच्छ मानव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सेठ के चरणों में आकर बैठ गए। सेठ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर बैठे थे। यह देखकर यमराज के सभा के सारे लोग अचरज में थे कि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़े हैं, ये कोई जरूर पहुंचा हुआ लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमलोकपुरी के सारे नियम कानून बदल डाले, स्वयं यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यही आना होगा। यही सोचकर सेठ ने नरक में पड़े सभी नरकवासियों को निकालकर नरक लोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया और ये आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ का ये आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते थे क्योंकि वो आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया, तो उसने सेठ से पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया, आप तो यमलोक के राजा भी बन गए, अब तो मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा, कृपया मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ता के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि हे यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक में बुला रहे हो इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना, ये मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। सेठ को यमपुरी का राजा बना दिया जाए और मैं यहां का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, कहने लगा इंसानी दिमाग जहां भी रहे अपनी खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो भगवान विष्णु स्वयं यमलोकपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज तो द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो यमपुरी के सिंहासन पर कौन बैठा है। यमराज बोले, प्रभु
आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान बोले, ये मैंने नहीं किया, ये सब तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्यों को यहां बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तुम्हें उनकी मृत्यु के बाद यहां लाने का हुक्म दिया है ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ वहीं रह जाएं। मित्रों, इतना कहकर शेठ के पास भगवान पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर शेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोले, प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्यों की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन हो गया, मुझे किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। प्रिय बंधु, इतना कहकर शेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान भी उधर वैकुंठ को चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत, जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वो शास्त्र अनुसार आचरण करता है तब तक वो सुखी रहता है। जब वो धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे रोग शोक और बीमारियां घेर लेती हैं, उसका पतन हो जाता है। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।